अरे यार, तैने तो मैं ज्यादा मलूक बना दिया। तेरी भाभी की कुआरी बहन नजर ना लगा दे। अच्छा जी भाई, तो यार दुनिया में सबसे बेकार आदमी कौन लगे? मुझे यार दुनिया में सबसे बेकार आदमी वो लगे जो पैसा उधार देके फिर वापस मांगे। अरे जब तैने एक बार उधार दे दिए पैसा तो वापस काहे को मांग रहा है? अरे हम इतने ही रईस घर से होते तो उसे पैसा ही उधार लेते। समझा, मत ना देवे मेरे 20 रुपया। ने जब दिल हो ना काला तो कुछ ना होने वाला। या क्रीम पाउडर सुना क्या? चेहरे तो निखार लेगा या दिले कैसे निखारेगा? नो डिस्टर्ब, आई गो टू लेना योर भाभी, वेरी फर्स्ट टाइम इन द ससुराल। भाई चिकने उस्तरे एक बात बता, यारी दोस्ती भी कोई चीज होकर है ना होती है? मतलब भाभी लेने अकेले अकेले जा रहा है। बैट्समैन भी अगर बैटिंग करने जावे ना वो भी अपनी गैल एक को लेकर चले। तो तेरी भाभी ला रहा हूं ना मैं, अंपायर भी तो चाहिए गैल में। तेरे ससुराल वाले ने फास्ट बॉलिंग कर दी तो? और मेरे भाई तू तो हेलमेट भी ना पहनता, चोट फैट लग जाएगी, मान ले हमारी बात। पर यार बाइक पर चार कैसे जाएंगे? अरे यू भी कोई हार्ड बात है, ये तो बहुत इजी बात है। लेट मी एक्सप्लेन। देख यू बैठगा मैं बाइक पे ऐसे, मैं चलाऊंगा, बीच में बैठेगी भाभी, बैठ बैठ, जैसे यू बैठेगी भाभी, पीछे बैठेगा पंकज। आ जा पंकज बैठ जा, ए हम बैठ गए तीनों, मैं भाभी पंकज और मैं चलाऊंगा। डर गियर बदलो, डर। और मैं यार भाई तू तो बस सुबह आ सके यार। उतर, ए सुबह उतर, अरे उतर जा, सुनाई ना देती है। भाई उतार रहा तो उतर जा, तू भी उतर जा, तेरे को पत्र लिखूं मैं अभी। हाँ बाइक पे इतरा रहा अपनी पे, ले बैठ जा। अरे थारी बात और गधा की लाश की कोई वैल्यू ना है। देख गिर जाएगा, अब तेरे उठने की बारी है। चल हो जा तैयार, अब तो है लेके चलेंगे ससुराल तेरे दो यार इन नई नवेली कार। वहां के आगे सजा के फूल और हार। ओए 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 ओए, 90 की स्पीड में गाड़ी घुसेगी ससुराल में। भाई आराम से थोड़ा यार, नए टायर डलवाए हैं यार, ससुराल का मैटर समझा कर फिर ठीक है। ओ ससुराल में तेरी गाड़ी घुस रही है, कोट पेंट तैने पहन रखे हैं, वो पूरे ससुराल वालों की नजर तेर पे है। और यार मैं तो ये सोच रहा हूँ क्या तकड़ा माहौल बन रहा है तेरे लिए। ओए होए, भाई फ्री की इज्जत और गर्मी में कोल्ड ड्रिंक किसी भी बुरी ना लगती है यार। गाड़ी सुझाएंगे ससुराल में, ससुराल वालों की जबक छुट जाएगी। तेल का खर्चा तू देख लियो, गाड़ी मैं ले आऊंगा एक दिन को अपने चाचा से, उनके गैराज से उठा लाऊंगा। बता कौन सी गाड़ी चाहिए? तो जैगवार, लैम्बोर्गिनी, BMW, हीरो लोंडा, जस्टिन बीरबल, ऑडी। ऑडी ऑडी चाहिए मुझे। ये ले ऑडी। ऑडी ऑडी को कही मैंने। ऑडी भाई हमें तो घोड़ी सुनाई थी। अरे भाई वैसे भी एक आध मात्रा तो इंगे होंगे हो ही जा कर है। भाई देख 10वीं 12वीं की टॉपर छात्रा को और ससुराल में दामाद की पहली यात्रा को बहुत इज्जत मिले कर है, और हमें अगर वहाँ इज्जत ना मिली तेरी बुद्धि भ्रष्ट कर देंगे, तेरी देही तोड़ देंगे। हमें चाहिए वहाँ खूब इज्जत, खाना पीना एकदम इंतजाम बहुत कैड़ा। मेरी ससुराल है कई सकरगंदी की ससुराल ना है, अगर इज्जत ना मिली ना उनके घर के सामने नाड़ो भाई मैं कूद जाऊंगा और मुंह धो लूंगा अपना। अरे आधे घंटा से ऊपर हो लिया लंबरदार, ऐसी बेइज्जती करवाएगा रिश्तेदारन की, गेट भी ना खुल रहे बताओ। ए यूरो नाला, ए यहां में आके मुंह दे ले, डुबकी मार ले हमें। पीजा की लास्ट स्लाइस पे और जीजा की फर्स्ट विजिट पे टूट के पड़े पूरा मोहल्ला। और यहां देखो
यहाँ कोई कुत्ता भी ना पूछ रहा यार। हेलो हेलो। हाँ जी। अरे आधे घंटा से मेरी कुत्ता कचेड़ी करवा रखी है, आधे घंटा से गेट के बाहर खड़ा हूँ, इस गेट है तो खुलवा दो। अरे नहीं नहीं, मैं तो सो गई थी इंतजार करते करते। इंतजार को तो ना, मैं स्विट्जरलैंड से आया, 12 किलोमीटर दूर से आया हूँ। अभी भिजवाती हूँ दरवाजा खुलवाने के लिए। क्या पनीर लबाबदार, मटर पनीर, कढ़ाई पनीर, पनीर दो प्याजा और पूरी सब्जी रहा है तो 12-13 तरह के मीठे हैं, क्या जरूरत थी इतनी सेवा की। ए, मेरा तो ठीक है पर इन कुत्ते इनका पनीर हजम न होने को। हाँ तो दिक्कत। चल बे आगे चल, गेट के सामने खड़ा। जीजा जी राम राम, अंदर चलिए ना। ये भी तो आधे घंटे से खड़ा हूँ यहाँ। इधर जीजा की गैल, हम भी तो आए हैं। लो बेटा, लो बेटा तुम लो। हम लेते रहेंगे। ये दोनों दोस्त हैं मेरे। बेटा शादी में तो ना दिखे तुम दोनों। हम उन दिनों में वैकेशन पे गए। वैकेशन पे कहाँ? जेल में। ऐसा क्या क्राइम किया कि जेल जाना पड़ा? हमारे गांव में ना उपला चोरी हो गए तो उनमें नाम आ गया। उपला चोरी करो तुम? हम ना करते है। आपके दामाद ने करे, इसका इल्जाम हमने अपने ऊपर ले लिया। अब जी यारी दोस्ती में तो इतना चले है ना, अब अच्छा लगता है। उनके सुतम बारात लेके आ रहे हो, इनके सु बारात में जिप्सी घुस रही है पुलिस की आए उठाने को। समोसे आगे भाई। हेलो लोंडिया जी। माई सेल्फ अमित, जहां ना पहुंचे सुमित वहां पहुंचे अमित। देखो जी दुर्गंध से तो मैं साफ साफ बता दूं, हम तीनों में से तो किसी का कांड ना है। आप लोग आपस में अब सेटल कर लो। अच्छा मेरी तरफ क्या देख रहे हो? मैं दामाद जी और उनके दोस्तों के सामने ऐसा थोड़े ही करूंगी। अरे भगवान, ये तो नेचुरल चीज है। काहे को बहस कर रहे हो अंकल आंटी जी? एक काम करते हैं, आधा पाधा कर लेते हैं। आधा पाधा किसने पा? दामाद जी बहुत दुबले पतले लग रहे हो और थोड़े काले भी। सब ठीक है आंटी जी? कैसी बात कर रही हो, जब तुमने अपनी लोंडिया को बिहाई जब का टाइगर सिरोफा, ऐसे का ऐसा ही तो है जैसे तुम इसे फेरे पे छोड़ गए। बेइज्जती कर रही हो आंटी जी घर आए दामाद की, मैं धर दूंगा या प्लेट है। और काम हिला कैसा चल रहा है? ए अंकल जी फ्री की मांग के चला हुए कार है, दामाद तारा बेरोजगार है। अंकल जी कैसी बात कर रहे हो, जब तुमने अपनी लोंडिया जाके बिहाई जब का यू एलन मास्क करू क्या नाम वा को मार्क कौन सा नाम है आका लगे जूकर बर्गर बाकी गल पार्टनरशिप में काम करे कराया यू बेरोजगार या जैसे छोड़ का है पेरेंट पे वैसे का वैसा ही है। बेइज्जती कर रहे हो अंकल जी घर आए दामाद की, मैं धर दूंगा ये प्लेट है। जिया जी क्या खाएंगे? धक्का खाएंगे, दिया तो है तेने। कतई इज्जत शर्म नहीं है, घर आए जीजा जी को धक्का दे दिया गेट पे, बेइज्जती होगी। एक भी बेर अभी तक सॉरी ना मांगी है। बेशरम। आप अंकल जी मानोगे नहीं, एक बेर मैंने अपने जीजा जी के आगे जी ना लगाया तो जीजा ने मेरा जी का जंजाल बना दिया, डीसीपी को एप्लीकेशन देकर आया, जब जान बची बात पुलिस तक पहुंच गई। नहीं आंटी जी, डीसीपी डॉक्टर चंदू पोसवाल जीजा जी के पापा का नाम है। बेइज्जती कर रहे हो तुम खाले साहब घर आए दामाद की, मैं लास्ट बेर बता रहा हूँ धर दूंगा या प्लेट है। अरे धर जो दे या प्लेट है, और अपना टेप रिकॉर्डर बंद कर लो, बता रहा हूँ बहुत देर हो गई है। शट अप पंकज ब्रदर यार,
ऐसे नहीं होता, हम अपने दोस्त के ससुराल में आए हैं यार, इज्जत से बात कर। मोहन देख रहा मैं कितनी इज्जत से बात कर रहा हूँ, जब सुया की तारीफ ही कर रहा हूँ। हाँ चाचा जी नमस्ते। अरे तुझसे कितनी बार कहा है सीसीटीवी कैमरा ठीक करा दो, तू सुनता ही नहीं है। तुझसे ना हो पाएगा, तू अभी के अभी मेरे को वो नंबर भेज सीसीटीवी वाले का। हाँ भेज रहा हूँ भेज रहा हूँ। अरे यार ये अंबानी भी ना बताओ फोन कर रहा है, नू कह रहा तू प्रोग्राम में क्यों ना आया। मैंने पहली कह दी भाई प्रोग्राम में एक ही अमित आ सके, या तो बच्चन साहब बुला लो या बड़ाना को बुला लो। ए भाई ने ब्लॉक मारो व्हाट्सएप पे, परेशान करते रहे सारे दिन। ए यार कर रहा को है व्हाट्सएप पे ब्लॉक, अननोन नंबर जो फोन कर रहा है। कति गलीच आदमी है बेटा तू। थैंक यू अंकल जी। अरे 5 रुपए उधार देके खरीद लिया है क्या? अब 5 नहीं 5,000 रुपए वापिस करूंगा तुझे। फोनक सकल बेचारों वाली बातें हजारों वाली है साले साहब, कहाँ से लाओगे इतने पैसा, फेंक रहे हो खाओ मखा। फेयर प्ले से। फेयर प्ले यू कौन सा बैंक है? अरे बैंक नहीं, स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन वेबसाइट है और एकदम कमाल की है। इस पे आप क्रिकेट फुटबॉल जैसे 30 से भी ज्यादा प्रीमियम स्पोर्ट्स को खेल सकते हो और जीत के कमाई कर सकते हो। और हार के तो? अरे फेयर प्ले में दूसरी वेबसाइट के मुकाबले जीतने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि यहाँ अवेलेबल है बेस्ट ऑड्स, बेटर ऑड्स मतलब बेटर विनिंग्स। और हाँ 24 घंटे में कभी भी आसानी से अपने पैसे विड्रॉ करो, साथ ही साथ फर्स्ट डिपॉजिट पर 300% का बोनस मिलता है और सेकंड डिपॉजिट पर 50% का बोनस मिलता है और हर IPL मैच पे 5% का लॉस बैक बोनस भी मिलता है और अपने फ्रेंड्स को रेफर करोगे तो 15% रेफरल बोनस भी मिलेगा, मतलब उनके हर 1,000 रुपये डिपॉजिट करने पर 150 रुपये आपके। भाई आज पहली बार पैदा होने के बाद तुमने समझदारी की कोई बात कर ली। भाई मैंने तो रजिस्टर भी कर लिया फेयर प्ले पे। अरे मेरे रेफरल कोड को यूज करो ना। या वो तो हम कर लेंगे, लेकिन या मग्घा सु पानी क्यों गिर रहे हो, या बाल्टी ही पूरी पलट दो साले साहब। कते बुद्धि बेस्ट है, सब है हमें बुद्धि देनी है, पूरी दुनिया को हम ही एक दिन नॉलेजेबल बनाएंगे, इतना ज्ञान लेके खो जाऊं। भाई मुझे तो ऐसे लग रही है भाभी की छोटी बहन मेरे प्यार में गिर गई थी क्या? भाई गिर तो हमारी इज्जत गई है घर में। कैसे? विकास नाम का अपने सास ससुर मम्मी पापा कह रहा है। अरे मम्मी पापा भाई जन्म क्रम में एक हो गए, या के दो कैसे हो गए? भाई मजा ना रहा, अब थोड़े से लंक लगा दो। मतलब तेरे वाला काम मैं करूं? मम्मी सिर्फ एक हो वे जो हमें अपने कोख से जन्म देवे। तू भाभी की मम्मी को सासू जी बोलेगा, सासू माँ का हो है? जब कौन टेढ़ा हो है? तभी नाम केड़ा होवे। जा मेरे चीते कर दे आंदोलन। सासू माँ क्या होता है? मम्मी बोलो। बस होगी ना हवा टाइट। भाभी के सामने ये चोच खुली ना तेरी। कल को भाभी जी कहन लगी मेरी मम्मी को कैटरीना कैफ कह, तो तू कैटरीना कैफ कहन लगेगा? भाभी के पापा को पापा कहेगा, रे मार्केट में तू तू आएगी तू तू, दुनिया कहेगी विकास के तो दो दो पापा है, पापा एंड पापा रिटर्न्स। अरे क्या जी तू तू करवाई है? भाई उनकी मम्मी को कह सास जी और पापा को कह ससुर जी, क्या कहेगा? सास जी और ससुर जी। जब अभी कुछ दिनों पहले घर से आई थी तब तो ऐसी बातें नहीं कर रहे थे, कुछ खिला पिला दिया क्या दोस्तों ने? बताओ अब भाभी ने हमें टोटका करने वाला बता दिया, हम खिलाएंगे यार? अरे हम तो खुद ही भूखे पेट मर रहे हैं, भलाई का जमाना ही ना। भाई कोई और दोस्त होता ना या के अब तक कान भर भर के इसे भड़का देता, पर तेरा भाई ऐसा सलाह दे रहा है। कुछ ना रखा बातन में, खुरपा ले लो हाथन में, हम तो करे पुण्य गिनती होवे पापन में। तेरे ससुराल में भाई कतई भी इज्जत ना हो रही, हमारी कुत्ता कचहरी हो रखी है, या का साला हमें गेट पे धक्का दे रहा है। अरे धक्का तो है दिया पर मेरे दिल पे भी धक्का लगा है, वहां में थोड़ी सी भी शर्म होती ना वो अब तक बोल चुका होता जीजा जी महबूबा गोरी आई एम सॉरी। अरे सॉरी तुम अपने पापा को नहीं बोलते? ए, 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 ए,
भाई धमका इसको, धमका 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 धमका। बाबू एक गिलास पानी लाना। दीदी जिया जी को प्यास लगी है, एक गिलास पानी ले आइए। अरे अरे नाला सामने ही है ना, यार छोड़ हम कूदेंगे, हट हट हम कूदेंगे। अब तक कुआरी हो तुम, ब्याह कैसे न करा तुमने? मुझे तुम वैसे भाभी सू तो बड़ी लग रही हो, फिर भी तुम्हारा ब्याह ना हुआ पहले उसका होगा। अरे समझ गया मैं, यू पक्का काई पिल्ला की गल भागने वाली होगी, या हमारे यहाँ को जल्दी ब्याह कर दियो, तुम तो शरीफ हो तुम्हारा तो आराम से हो सके। भाभी बहुत तेज है वैसे मुझे लग रही देख के ही, वैसे ही तुम्हारा भाई ना है कालू कसोटा, यू मेरे दोस्त पंकज सू बात कर रहा हूँ, मैंने सुन ली पीछे सू। दीदी से जो शादी करेगा ना पापा उसको 5 लाख रुपए देंगे एज अ गिफ्ट। ए यू को इनाम है जो 5 लाख रुपए मिलेंगे, मुझे ना चाहिए ऐसे पैसा वैसा, आई ओनली वॉन्ट यू, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। ये अमित लोंडा है तो गलीज पर तेज बहुत है। आप सही कह रहे हो जी, आजकल भोले भाले लोगों का जमाना नहीं है, ये विकास को ही देख लो आप। तेरी इस वाली दीदी को ना मेरा एक गद्दार दोस्त ले उड़ेगा। ए भाई और कोई बहन ना तेरी है ना? एंजेलिना दीदी। जीना दीदी सिड्डी वाला? अरे नहीं, अगर तुम्हारा मुझसे ब्याह होगा ना तो मैं हनीमून पे लेके जाऊंगा बुलंदशहर, तो मैं कतई रानी बनाकर रखूंगा। मेरी ये दो बहनें ना बहुत सुंदर है लेकिन बेरोजगार है। एंजेलिना दीदी थोड़ी कम सुंदर है लेकिन 20,000 रुपए महीना कमाती है, पूरे घर का मन लगा के रखती, सबका ख्याल रखती है। तुमसे कोई काम नहीं करवाऊंगा, सारा काम घर का मेड करेगी, और तुम्हारे प्यार में मैं मेड हो जाऊंगा, तुम्हारे लिए इडियट हो जाऊंगा, बदतमीज हो जाऊंगा, नॉनसेंस हो जाऊंगा, प्यार में पागल हो जाऊंगा। सुंदरता का क्या है, वो तो मेकअप से भी आ जाती है, इंसान का ना दिल सुंदर होना चाहिए, दिल सुंदर होना चाहिए साले साहब। दिल से तो बहुत ही सुंदर है। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं ना? नहीं नहीं वो तो पापा मम्मी तय करेंगे। वैसे ये अमित हमारी बड़ी लड़की के लिए कैसा रहेगा? आप सही कह रहे हो जी, लेकिन हम इससे अकेले कैसे बात कर सकते हैं, इसके परिवार वालों को भी तो मिलना होगा। अरे मैं अभी बात कर लेता हूँ, छोड़ो यार। मैं उसी से बोलता हूँ ना, अपने माँ बाप से बात करवाएगा। मेरी सारी दीदी को पागल ही पति मिले। भाई लट बजेगा, सहरा सजेगा, तुम्हारा भाई घोड़ी चढ़ेगा। भाई कह बात करी थे ना, मेरी वाइफ की सिस्टर बड़ी इंप्रेस होके गई है। भाई मैंने कह दी उनसे, अगर तुम मिल जाओ तो जश्न मनाएंगे, तुम्हारे ही पसीने से परफ्यूम बनाएंगे। वाह बहुत खुशबूदार बात कही है, अब तो हम दोनों साडू हो जाएंगे, तेरी वाइफ मेरी साड़ी, मेरी वाइफ तेरी साड़ी। तो ये तो मैंने सोची नहीं, पर पहले तो अपने घर वाले से तो बात कर ले। ओ भाई घर वाले से बात और पेपरन की तैयारी मैं कतई लास्ट मोमेंट पे करूं, और अगर मेरे घर वाले ने मेरा ये बिया एक्सेप्ट नहीं करा, डोंट वरी मैं तो यहीं पर रह लूंगा, यहीं इनका घर जमाई बन के आराम से रहूंगा। भाई अपनी अपनी सोच ली तुमने, मेरे बारे में भी सोच लेते कुछ। मैंने सोच रहा किया तेरे बारे में, तू बिन लुगाई के ही मरेगा। भाई एंजेलिना का ब्याह मौसू करवा दो, तीनों भाई एक घर में ब्याह जाएंगे भाई, और कहाँ चाहिए भाई। बस पंकज बस मत जोड़ हाथ यार, मैं बड़े कच्चे दिल को आदमी हूँ, मुझे तरस आ जावे। तो एंजेलिना से ब्याह करना है, तेरा भाई करेगा तेरे रिश्ते की बात, ससुर जी को मैं मनाऊंगा, टेंशन नॉट। सोचना यार कितना अच्छा लगेगा, तेरी वाइफ मेरी साली, मेरी वाइफ तेरी साली, इसकी वाइफ हम दोनों की साली, मेरी वाइफ तुम दोनों उनकी साली, तेरी वाइफ हम दोनों उनकी साली, साली 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 क्यों। आओ मेरी गर्ल बोलो मी। देखो जी हम साथ साथ हैं, अब मैं आपसे करूंगा मेरे दोस्त के ब्याह की बात है। पापा जी। पापा? हाँ पापा, और क्या कहूँ मैं इन्हें, यार मेरे होने वाली पत्नी के पापा को मैं पापा ना कहूँ तो और क्या कहूँ,
बदतमीज तू ही सोचता होगा ये मेरे अंकल है, नहीं है ये पापा है मेरे। बेशरम पामले, सॉरी बोल। एक घोड़ा तू चू, एक मैं चू रहा हूँ। ये जो मेरा मित्र है पंकज, नॉन वेज खाता है लेकिन दारू तो नहीं पीता, जुआ खेलता है लेकिन किसी के दिल से नहीं खेलता। अब आप मुझसे पूछेंगे क्या कमाता है, कुछ नहीं कमाता, निटल्ला है, खाली घर पे सोता है, लेकिन शाम होते के साथ ही मंदिर के बाहर से चप्पल चुरा लेता है। गलत काम नहीं है जी, अमीरों की चप्पल चुरा रहा है, गरीबों की नहीं चुरा रहा। अमीरों को गरीब कर रहा है, गरीबों को अमीर कर रहा है। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी स्कीम है जो यही लड़का समझ पाया। इसको प्रधानमंत्री जी ने नोबल पीस प्राइज देना चाहा था एक बार, वो तो मैंने इसकी आंख खोल दी सपने से, वरना अगर मैं इसकी आंख ना खोलता ना उस दिन, ये उस दिन अवार्ड जीतने वाला था। मन का और पेट का कतई साफ है, ना मन में कुछ रखता है ना पेट में कुछ रखता है। आप अभी इसे कुछ खिला दो, अभी ऊपर जाएगा टट्टी करके वापिस आ जाएगा, पेट कतई सफा, दिल कतई सफा। लोंडा हीरा है, हीरा का जो बिजनेस कर रहे हैं ना वो इसको ढूंढ रहे हैं, हीरा जीरा खीरा, हर मार्केट में लोंडा की डिमांड है। दो दो दिन तक तो जी नहाता ना है, पानी बचाता है। अब आप ईमानदारी से बताना, दिल पे हाथ रख के, आपको ऐसा दूल्हा कहीं मिलेगा? सच में बेटा शादी करोगे एंजेलिना से तुम? अजी मेरे सुधो तुम आज ही फेरे पड़वा दो, हमेशा आपकी लड़के को खुश रखूंगा। पेपे 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 पावले पावले। क्यों कहा करवा दिया तुमने मेरी गैल? तो भाई का शादी मुबारक हो। क्यों कहा करवा दिया तुमने मेरी गैल? भाई कोई बात ना, बुरा ना मानो, शादी है। अरे पिंटू बहन माने हैं, तब है दो ना तीन है, और अपनी फेवरेट हीरोइन पे नाम रखा है एंजेलिना। एंजेलिना जोली भाभी, ये बाबू रोते ना, चुप हो जा, चुप हो जा। तो पता ना तेरा जो भी ब्याह है ना सदियों तक याद रखा जाएगा, बल्कि मैं तो मोदी जी से आग्रह भी करूंगा या के ब्याह को और या कारनामे को गिनीज बुक रिकॉर्ड में दर्ज कराया जावे। बाबू देख जो भी है, तेरा घर तो बस गो ना। घर तो अब उजड़ेगा। कार चोर पंकज तो बुला रहे। ए, तेरे से बोल रहा हूँ, गैराज से कार चुरा के भागा ना। कार चोर, गैराज सुकार। ओ हेलो पुलिस अंकल, वो गैराज मेरे चाचा का है और उनकी अनुमति से लाया हूँ कार। चोरी और सीना चोरी नेतान के ऊपर अच्छी लगे, मैं ना करता ये सब काम। अच्छा बेटा अब तू सुन, मैं बताता हूँ। तू गया अपने चाचा के गैराज पे। हेलो चाचा जी, नमस्ते। हाँ नमस्ते। देख वो चाबी टंगी होगी मारुति की। हेलो 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 हेलो। और तभी हो गया चाचा का फोन स्विच ऑफ, और वहां पे तूने अपने चाचा की बात पूरी सुनी नहीं, और तूने सोचा। लेकिन यार ये क्या कनेक्शन है, बिना मेरे कहे चाचा जी मेरी बात समझ गए। अरे यार कितनी मौज ही कर दी चाचा ने तो। अब यहाँ पे आगे लिखवाऊंगा घोड़ी। आपकी नजर में आया चोरी क्या मैं? हाँ ये चोरी है, कार थी क्लाइंट की जिसे तू यहाँ ले आया। अरे मैं गैराज पे आया था ना, आप हो ना लड़का है यहाँ पर। अरे वो आसपास होगा, आने वाला होगा। क्या काम है? गाड़ी दिक्कत कर रही है, इसके ब्रेक्स को कस दो। हाँ ठीक है, तुम चाबी टांग दो। आप आ जाओ, दो घंटे बाद आऊंगा मैं, जब तक कर देना। तो कार गायब और सीसीटीवी खराब। अरे तुझसे कितनी बार कहा है सीसीटीवी कैमरा ठीक करा दो, तू सुनता ही नहीं है। पुलिस अंकल यार चोरी ना मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है,
कंफ्यूजन। मेरे चाचा जी को फोन करके पूछ लो, वो खुद बता देंगे। तो मैं मौसू ज्यादा शरीफ तो लौंडा कोई पूरे क्षेत्र में ही ना है। कानून मांगे है सबूत, और तेरे दुकान के सामने वाला सीसीटीवी और तेरे चाचा दोनों यही कहें कि चोर है तू। घर में ही गद्दार। चल चल आजा। चल सर, चल एक मिनट, चल सर, एक सर, एक एक सर, एक मिनट सर। तू चल थाने, अपने को बुला लियो तू बेल के लिए। सर मेरा तो कोई अपना है नहीं, मैं किसको बुलाऊंगा बेल के लिए। नहीं मेरा भाभी साइड हो जाओ, कुचल जाओगी। आई लव यू। मौसू भी कर लो, तुम्हारा भी घर बस जाएगा, मेरा भी घर बस जाएगा, तुम्हारा एक एहसान रहेगा, मेरी बेल भी हो जाएगी। आई लव यू। हाँ मतलब हाँ भाई, आशीर्वाद लो ना। नमस्ते बाबा जी। नमस्ते बाबा जी। भाई तेरा भी ले रहा हूँ, तेरा भी ले रहा हूँ। आ जाओ बेल दूंगा तुम्हें, आ जाओ बाबा जी, आ जाओ। चुप, तेरे पर चुप। वैसे तो मुझे हमेशा से ही कम बोलने वाली बहू चाहिए ही, पर इतनी भी कम बोलने वाली ना चाहिए कि एक आकर भी ना बोल सके। प्लीज लव यू बोल दो। आई लव यू। थोड़ा सा रोंग सुनाई दिया, एक बार और बोलिए। आई लव यू। एक मिनट, एक अर्जेंट कॉल करके आ रहा हूँ। हेलो। हाँ विकास भाई, यू भाभी की आवाज में डबिंग की तरह क्यों आ रही है, जैसी फिल्मन में डबिंग हो गए। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी आपको गोलीबाजी देगा। बाय। तेरी भाभी की आवाज ना कतई डबिंग वाली है। अच्छा अच्छा आदमी डर जावे। क्यों का होगा भाई, मेरी वाली तो कतई नॉर्मल है, सुबेरी सी मोसू बतलाना चालू कर दे। ले बात कर ले अपनी भाभी सु। भैया मिल गई बेल। मिल गई। लव यू। मुझे भी तुमसे लव यू टू है।